नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विकारी और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद। विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो भेद किए जाते हैं। कितने भेद किए जाते हैं? दो भेद किए जाते हैं। विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो भेद किए जाते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसमें देखिए, पहले हम बात करते हैं विकारी शब्दों की। विकारी शब्द किसे कहते हैं? देखिए इसकी परिभाषा, जिन शब्दों से वाक्य में प्रयोग करने पर उनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो एक बार फिर से इसकी परिभाषा देख लीजिए विकारी शब्द की। जिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने पर उनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए विकारी शब्द के प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। विकारी शब्द मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। सबसे पहले संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा शब्द का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो देखिए हेडिंग है संज्ञा। अब देखिए इस संज्ञा शब्द का शाब्दिक, संज्ञा शब्द का संधि विच्छेद होगा सम प्लस ज्ञा। इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस ज्ञा। और इस संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठीक तरह से ज्ञान कराने वाला, यानी कि इस संज्ञा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ठीक तरह से ज्ञान कराने वाला, अर्थात जो ठीक तरह से ज्ञान कराता है। अब देखिए इसकी परिभाषा के बारे में बातचीत करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है संज्ञा शब्द की, संज्ञा की परिभाषा देखिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए इसमें उदाहरण के तौर पर हम बातचीत कर रहे हैं। जैसे एक वाक्य दे रखा है कि राजेश खेल रहा है। वाक्य है राजेश खेल रहा है। अब देखिए इस वाक्य में राजेश किसी व्यक्ति का नाम है, अतः राजेश यहाँ पर संज्ञा शब्द हो गया। दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य दे रखा है कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। वाक्य है मैं कल जयपुर जाऊंगा। अब देखिए इस वाक्य में जयपुर किसी स्थान का नाम है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो यहाँ पर जयपुर शब्द संज्ञा शब्द है। अब देखिए अगला तीसरा वाक्य देख लेते हैं। तीसरा वाक्य है कि वह किताब पढ़ता है। वाक्य है वह किताब पढ़ता है। अब इस वाक्य के अंतर्गत किताब शब्द जो है ना वो किसी वस्तु का नाम है, अतः किताब शब्द में संज्ञा